हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे। हमारा प्रश्न क्रमांक 3 है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला है हमारे पास 12, 15 और 21। दूसरा है 17, 23 और 29। तीसरा है 8, 9 और 25। तो चलिए सबसे पहले हम पहले को हल करेंगे। पहला है हमारे पास 12, 15 और 21। इसको हल करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे हल। अब चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। तो इसका गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले 12 का करते हैं। तो 12 दो, 6 दूना 12, 6 दो 3, 3 और 1, 1 इक्कने 1। चलिए अब देखते हैं। अब उसके बाद फिर करते हैं हम 15 का। तो 15 तो 3, 3 पचे 15 और 5 इक्कने 5। और फिर 21 का, तो 21 3 सत्ते 21 और 7 इक्कने 7। तो इसका हो जाएगा 12 का होगा 12 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3। और फिर 15 का होगा 3 इंटू 5। और 21 का होगा 3 इंटू 7, 3 × 7। तो अब देखिए, इसमें ये है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तीनों में 3 है। तो ये हो जाएगा हमारा HCF, कि HCF बराबर हो जाएगा हमारे पास 3। अब LCM बराबर 2 × 2 × और 1 3, इसमें का 3 एक ले लेंगे, 3 × 5 × 7। तो देखिए, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60, 60 × 7 = 42, 420, 420 ये हमारा आंसर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। और दूसरा प्रश्न है हमारे पास 17, 23 और 29। तो इसको भी हल करते हैं। हल, इसका भी गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे 17 का। तो 17 × 17 एक बार में गया, और 23 का भी एक बार में जाएगा, 23 × 23, और 29 का भी एक ही बार में जाएगा, 29 × 29। तो सब में भाग किससे गया है, एक एक से। तो इसमें बस एक एक ही संख्या है, तो इसलिए ये जो एक होगा ये भी एक से कटेगा, तो इसलिए हम एक ले लेंगे, ये नीचे वाला भी एक ले लेंगे। इसे नहीं लेंगे फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको लिखना है तो ले लेंगे। तो ये होगा 17 का हो जाएगा 17 × 17। बात तो वही है, पहले भी 17 लिखेंगे तभी 17 होगा, 17 × 17 लिखेंगे तभी 17 होगा। और 23 का फिर ले लेंगे 1 × 23, और 29 का भी ऐसे ही ले लेंगे 1 × 29। अब तीनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, एक, इसमें भी एक, इसमें भी और इसमें भी। तो हो जाएगा हमारे पास
HCF होगा, HCF बराबर एक, और LCM बराबर होगा हमारे पास बस कितना, 17 × 23 × 29, ये होगा हमारे पास 11,339, 11,339 होगा। अब बढ़ते अपने तीसरे प्रश्न की तरफ, और हमारा तीसरा प्रश्न है, तीसरा 8, 9 और 25, 25। अब इसको भी हल करेंगे, हल इसको हल करेंगे तो सबसे पहले इसका भी गुणनखंड करेंगे, तो 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 1 = 2, 4 × 2 = 8, 2 × 2 = 2, और 9 का 3 × 3 = 9, और 3 × 3 = 9, और 25 का 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 5, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 5, ये होगा हमारे पास 8 का हो जाएगा 2 × 2 × 2, 9 का हो जाएगा 3 × 3, 25 का होगा 5 × 5। अब इसमें ये देखिए, इसमें कोई भी, इसमें तीनों में कोई भी एक समान नहीं है, तो लास्ट में एक एक जब आता है तो ये एक एक से कट जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे एक एक ले लेते हैं, इससे मान में कोई चेंज नहीं होगा, तो यही जो एक 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 हम लेते हैं लास्ट में, एक 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 जो है यही हमारे पास होगा HCF, क्या होगा HCF, एक और LCM हमारे पास होगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5, ये होगा हमारे पास 1800। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।